पहले इस बीच भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां मंत्री कृष्णा गौर का बड़ा बयान सामने आया। INS 24/7 से खास बातचीत की गई है। BRTS हटाने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। वहीं विभागों के बंटवारे पर ये कहती हुई नजर आई कि जल्द ही बंटवारा होगा। हमारे साथ में भोपाल की महापौर भी रही हैं, भोपाल के उस क्षेत्र से विधायक है जहां BRTS से सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। लंबा अरसा था, लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब ये निर्णय हुआ है। सबसे पहले तो किस कारणों से ये निर्णय हुआ है? जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि पूरे चुनाव और चुनाव के पूर्व भी लगातार लोगों की यही मांग थी कि एक समय जब BRTS कॉरिडोर को यहाँ निर्माण किया गया था तो उसके पीछे का उद्देश्य था शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करना, लेकिन जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पाने की वजह से वो पूरी तरह से असफल हुआ है। आज निश्चित रूप से लोगों की परेशानी का बहुत बड़ा कारण BRTS कॉरिडोर बन गया, जिसको हटाया जाना बहुत जरूरी था। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब समस्त जनप्रतिनिधियों ने ये मांग रखी और उन्होंने बैठक करके ये जाना कि वास्तव में आज लोगों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से पीक आवर्स में सबसे ज्यादा परेशानियों को 6-6, 7-7 घंटे जाम में फंसा रहना पड़ता है, बहुत परेशानी हो रही है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हटाया जाना चाहिए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि 3 दिन में सारी प्रक्रिया सारी व्यवस्थाएं करके मुझे बताया जाए कि इसको किस तरह से जल्द हटा सकते हैं। BRTS के साथ साथ जो साइकिल पाथ भी बना है दोनों तरफ, उसको भी क्या इस इंक्लूजन में लिया गया है कि उसको भी जो है सामान्य आवागमन के लिए रखा जाएगा या उसको भी अलग रखा गया है, कुछ जानकारी? नहीं, सिर्फ आम आदमी को चलने के लिए फुटपाथ की व्यवस्था होगी, बाकी पूरा गाड़ियों के आवागमन के लिए रोड होगा। दीदी एक और सवाल है, काफी लंबा इंतजार हो गया है विभागीय बंटवारे का, कितना समय संभावना है लग रही? हो जाएगा, जल्दी होगा। हाँ, जल्दी होगा। तो कृष्णा गौर जी हमारे साथ में थी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो BRTS को लेकर, खुद महापौर भी रही है और उन्होंने ही कल इनिशिएटिव लिया था BRTS कॉरिडोर को हटवाने के लिए, जिसको मुख्यमंत्री ने मंजूर भी किया। उनने कहा यह बहुत जरूरी था और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य भी है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल।